हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। तो जैसा कि हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं आप यूजी के किसी भी कोर्सेज में। खैर, अभी पीजी की कोई खबर नहीं है, तो पीजी वाले कृपया अभी शांत रहें, क्योंकि पीजी वाले लगातार ये पूछ रहे हैं सर पीजी का भी एडमिशन हो जाएगा क्या, भैया पीजी में मुझे एडमिशन लेना है डायरेक्ट बिना सीयूईटी दिए होगा क्या। तो इससे संबंध में आज से यूजी के लिए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उससे संबंधित महाविद्यालय में, तो इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ऑफिशियली बोल दिया है ये बात कि आप सभी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी और अफिलेटेड कॉलेज में। खैर, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस की तरफ से कोई भी ऐसी लिंक या रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू किया गया है जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन कर सकें और एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकें। तो इसके अलावा जो अफिलेटेड कॉलेज हैं जैसे CMP डिग्री कॉलेज है, ADC कॉलेज है, ISDC कॉलेज है और आपके अन्य सभी संबंधित महाविद्यालय हैं जैसे आपका महिला महाविद्यालय 2-3 हैं वो सब में, तो कुल मिलाकर के इन सभी महाविद्यालयों में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो CUET नहीं दिया सिर्फ उनके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अन्यथा जो CUET दिया है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके 20 जुलाई तक में उसके बाद काउंसलिंग कर सकता है। या फिर जो लोग 15 मतलब जो लोग CUET नहीं दिए हैं और CMP में या फिर किसी अन्य कॉलेज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उससे संबंधित कॉलेज में ECC में ही क्यों ना अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं बताया था कि आप सभी को मैं देख कर बताऊँगा कि कैसे आपको एडमिशन लेना है। तो जैसा कि हमने निकाला है इसमें आपको क्या करना है, हर एक कॉलेज के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर पोर्टल पर जाके आपको देखना है पोर्टल पे एक रजिस्ट्रेशन 2024-25 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु आपको लिंक मिलेगी, अलग से पोर्टल बना दिया गया है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके सेफ हो जाइए। और अभी आप ज़्यादा उछलिए कूदिए मत, अभी आपको थोड़ा वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा आप लोग जानते हैं पहले उनको लिया जाता है जो योग्य होते हैं, आप लोग अयोग्य तरीके से आ रहे हैं फिर भी आपको मौका मिल रहा है। जो CUET UG दिए हैं पहले उनकी काउंसलिंग होगी, उनका एडमिशन होगा, जब सीटें खाली रह जाएंगी तब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा पहले से, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है 20 तारीख तक में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आप बैठ जाइए, जब CUET का ख़त्म हो जाएगा सारा खेल तो आपको वहाँ पे कॉलेज वाले खुद आपको डायरेक्टली आकर के रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तो आपको एडमिशन ले सकते हैं काउंसलिंग के द्वारा। अब दूसरा नंबर प्रोसेस ये है, एक और कॉलेज है ADC कॉलेज। ADC कॉलेज में जो CUET एग्जाम नहीं दिया उसके लिए डायरेक्ट फॉर्म वितरण किया जा रहा है, फॉर्म वितरण किया जा रहा है और उस फॉर्म में आपको फिल करना है सब कुछ और जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ चीज़ें हैं वो जाके फिल करके छोड़ दो, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा जब एडमिशन आपको लेना होगा वहाँ पे। जो CUET नहीं दिया है आप वहाँ भी जाकर कर सकते हैं और आपके पास एक मौका है, आप हर एक कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन शुल्क हो 200-300 या फिर कितने भी रुपये क्यों ना हो, तो वो रजिस्ट्रेशन शुल्क से आप रजिस्ट्रेशन करके आराम से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, CUET वालों का जो एडमिशन हो जाएगा उसके बाद। हमने बताया था कि आप सभी को पूरा प्रोसेस हम बताएंगे एडमिशन कैसे होना है बिना CUET दिए वालों का, तो ऐसे ही में पूरी सुविधा आपके लिए आ चुका है, अब उपलब्ध है, आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर लें। 12th के मेरिट बेस्ड पे हो सकता है कि एडमिशन को लिया जाए, यदि ऐसे में होता है कि लड़के रजिस्ट्रेशन कम किए हैं और 12th मेरिट बेस्ड फिर नहीं देखा जाएगा और वैसे ही सीट आवंटन जो होता है, जो सब्जेक्ट आवंटन होता है वो मेरिट बेस्ड पर ही मिलेगी, जो अच्छे सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें BSc में आपका मेन होते हैं, लेकिन BA वालों के लिए होता है ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ये सब मेन सब्जेक्ट में आते हैं जो मेरिट बेस्ड पे तय होंगे और छात्रों के लिए मौका मिलेगा देखने को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का जो प्रोसेस होगा मैं बताऊँगा कि कट ऑफ के सिलसिले में जो CUET UG दिए हैं कितने कट ऑफ में कितना एडमिशन होना है कि नहीं होना है सब बताएंगे। तो आज हम यही बताना चाहते थे कि आपको किस तरीके से एडमिशन का मौका मिल रहा है, आप लोग रजिस्ट्रेशन जाकर कर लें। यदि रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या आ रही है तो डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं अपने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाकर हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एडमिशन के सिलसिले में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।